अरे रुको रुको रुको, ये वहनी की तस्वीर एकदम संभाल के लगाना, दूर से भी नजर आनी चाहिए। तमाम संभाल के। अरे वाह 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 वाह, गणपति बप्पा के स्वागत के लिए क्या बढ़िया तैयारी हो रही है, बहुत अच्छी सजावट है। देख मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ मत करना, पेपर पे लिखी हर एक बात को ना खूब ध्यान। ओ बाबा मला माहिती है, आप प्लीज टेंशन मत लो, और वैसे भी आपको ना भी आराम करना चाहिए, काम नहीं। अरे आपका बेटा है ना, सब संभाल लेगा। अब तू समझाएगा अपने बाप को, इतने साल का तजुर्बा है मेरा, खून पसीने से सींच के बिजनेस को खड़ा किया मैंने, कैसे ध्यान नहीं दे उस पे? क्या आपको आपके बेटे पे भरोसा नहीं? अरे तो मुझे इतने साल हो गए वहनी के साथ ये बिजनेस संभालते हुए, आज तक अभी मुझसे कोई गलती हुई? मैं संभाल लूंगा, आप बस अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करो। क्या हर बात में रिटायरमेंट रिटायरमेंट, रिटायर नहीं हुआ हूँ मैं, बस बिजनेस में साइड कर दिया गया मुझे, इतने सालों का तजुर्बा है मेरा, और ये वाली जो डील है ना वो इतनी आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, इसमें गलती होना निश्चित है, मेरी बात तू लिख के ले ले। ओमी 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 ओमी, अरे क्या हो गया सुबह सुबह? आका भगवान, ओमी इधर इकड़े, ये बात कर दिए तुझसे, आजा आजा। क्या कर रहा है सुबह सुबह, क्यों मोहित के पीछे पड़ा है? अरे कर लेगा वो, अब देख रहे थे ना मोहित तो क्या बोल रहा था। बस 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 बस, उसकी आड़ में अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करना। कल तुझसे कहा था मैंने, मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलो, चले तुम? मॉर्निंग वॉक? क्या बुड्ढू जैसे बातें करने लगे? बुढ़ापे वाली बात, इन्हीं बुढ़ापे वाली बातों की वजह से शरीर जवान रहता है। मेरी तरफ देख, तुझसे उम्र में कितना बड़ा हूँ मैं, लेकिन तुझसे कई ज्यादा स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। नहीं तो तुम न जाने कौन कौन सी दवाइयाँ खाते रहते हो, ऐसे दवाइयाँ खाते रहे ना तो दवा खाना बन जाओगे खुद एक दिन। हाँ चलो बाबा काका, मैं निकलता हूँ। अच्छा मोहित तू जा ऑफिस संभाल, इस तरह खटारा बाप को मैं संभालता हूँ। खटारा? मजाक कर रहा हूँ यार। फिर ठीक है। चला ये तो ये। मोहित अरे तूने कुछ खाया या ऐसी भूखा हंगरी खाली पेट जा रहा है तू भी ना? करिश्मा तूने मोहित को नाश्ता दिया? तेरी खामोशी सारे जवाब उत्तर आंसर दे रही है, मोहित को तो तूने नाश्ता दिया नहीं, और फिर ऐसे बन ठन के कहाँ जा रही है? आई अभी मुझे बहुत काम है, और अगर इनको नाश्ता करना होगा तो ये खुद कर लेंगे, और वैसे भी ये कोई बच्चे थोड़ी ना है जो मैं इन्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। मेरे बाहर जाना है। आली मुठी तेरी जबान ना आजकल बहुत चलने लग गई है, तू रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। आई अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, आपको जो बताना हो आप बाद में बता देना, अभी मैं चलती हूँ। देखा, जिस लड़की की कुछ सालों पहले तक मेरे सामने चू तक नहीं निकलती थी, आज देखो उसे, खुद को समझती है इतनी खास कि सास की बातें उसको लगती है बकवास। सकला सत्यानाश। जाओ दे तू चल, मैं तुझे कुछ खिला देती हूँ। अच्छा अरे दादा एक मिनट, जा तुम्हें जा थोड़ा सा खा, थोड़ा तो तू कालजी ना को करो। अगर मुझे भूख लगेगी ना तो मैं ऑफिस में अच्छा सा कीटो फूड ऑर्डर कर लूंगा। अभी मैं निकलता हूँ, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी, ठीक है? सच्ची मुच्ची। चल ये तो बाय बाय बाय। ये नहीं खा रहा कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी और मैं नहीं ये सब तुम्हारे लिए मना है, अपनी सेहत का ख्याल करो, नहीं खाना है सोना नहीं। तुम इसे मना क्यों नहीं करती? इसके लिए सिर्फ फल हरी सब्जियाँ और दलिया लाना। अरे दादा ये कहाँ हरी सब्जी और फल खाएंगे, इस घर होम निवास में क्या हो रहा है पता नहीं, कोई किसी की सुनता ही नहीं, यहाँ सब लोग अपने मन के करते हैं। मैडम का चलो, ये फूल का लगाने आपने बताया नहीं। मेरे बालों में लगा दो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, घर की मालकिन से पूछो, वहां जाओ। चाचू मालकिन ये फूल का लगाने हैं? अरे आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, मैं अपने हस्बैंड के साथ लंदन में रहती हूँ, दो दिन पहले ही यहाँ पे आई हूँ, आप मालकिन से पूछिए ना। क्या रहा है यही लग रही मालकिन फूल? ना ना मुझसे नहीं, मालकिन से पूछो, वो है घर की असली मालकिन, पत्रलेखा चव्हाण। अरे दादा अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। दादा ये फूलों की टोकरी आप वहां पर लेके जाइए, वहां पर सजाइए। Thank you.
क्या काकू, आप भी ना खुश रह। आप अभी से मेरी टांग खींचने लगी। अरे टांग कहाँ खींच रही हूँ, अब तू ही तो इस घर को संभाल रही है एक असली कारभारिन की तरह। अब तू ही इस घर की मालकिन है, तूने तो मुझे बाहर ही कर दिया। अरे आप पहले सिर्फ इस घर की मुखिया थी, अब तो आप पूरे क्षेत्र की मुखिया बन गई है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सवान निवास की असली मुखिया तो हमेशा आप ही रहेंगी, मैडम आमदार साहिबा। धीरे धीरे बोल, वरना तेरी सास सुन लेगी तो बोलेगी गोड़ू मुझे तो मालकिन बनने का मौका ही नहीं मिला, पहले मेरी वहिनी मालकिन बन गई और अब सीधे मेरी बहू। ठीक ही तो कह रही है वहिनी, अगर पत्र लिखा इस घर की जिम्मेदारी भली बात ही निभा रही है तो इसे मालकिन का औहदा तो मिलना ही चाहिए। अगर सुखी रहा प्यारी लग रही, बहुत सुंदर। एक मिनट, नजर नहीं लगे ला पेजे ना, अच्छा किसी की नजर नहीं लगी, देखा भाई नहीं कितनी सुंदर लग रही है ना। मस्त मस्त, खरच दृष्ट नहीं लगली पाहिजे। और देखिए ये रंग भी कितना फबरा है इस पर, काय मग मेरे गोड़ों के लिए तैयार हुई हो ना, किसी का इंतजार कर रही हो ना। आई आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। अच्छा वैसे मैं आपके गोड़ू का नहीं लेकिन अपने गोड़ू का इंतजार जरूर कर रही हूँ। वो बस अभी 2 मिनट में पहुंचने वाला होगा। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वीनू और वीरू 2 मिनट में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं? पत्र लिखा, ये कोई मूवी का सीन नहीं है जहाँ पे तुम कहो मेरा बेटा आने वाला है और अचानक से हेलीकॉप्टर उतरे और वीनू कहे मैं आ गया। आई शिवानी बुआ, आप मानो या ना मानो लेकिन मुझे मेरे बेटे की हर खबर रहती है। आप देखना, मैंने कहा ना कि मेरा बेटा आने वाला है, मतलब वो आने वाला है। तो तुम्हारे पास कोई ट्रैकिंग डिवाइस है क्या? ऐसे ही समझ लीजिए। आप देखना, 10 सेकंड के अंदर मेरी आंखों का तारा मेरी आंखों के सामने होगा। अगर ऐसी बात है तो लगी शर्त? लगी। आप गिनना शुरू कीजिए। 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1.